हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी बहुत सिंपल और स्टाइलिश डिजाइन बनाना विदाउट एनी लेस का यूज करते हुए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाजू वाला फैब्रिक लिया था, उसको नीचे से बॉटम की साइड से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे हम इस तरीके से और निशान को मिला देंगे दोनों साइड से। और इसी तरीके से हम फिर से 2-2 इंच पे देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे पूरा अपने आर्म होल तक, शोल्डर तक। और उसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग की है इस तरीके से 1/2 इंच के गैप पर, ये देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरीके से सिलाई कर देना है। थोड़ा सा मोटा रखना है हमें, पिंटू की तरह पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा हमें सिलाई रखना है ताकि वो दिखे और देखने में खूबसूरत लगे। तो इसी तरीके से सारे जो हमारे निशान है सबको सिल देना है। तो देखिए सारी सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसे हम एक बार प्रेस कर लेंगे आप चाहें तो। और उसके बाद हमें नेट वाला फैब्रिक लेना है जिस पे भी आप बनाना, आप चाहें तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 7 इंच का फैब्रिक लिया था नेट का, और इस तरीके से इसको चुन्नटे डाल देंगे, छोटे छोटे प्लेट्स डाल देंगे। और जो हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले नाप लेना है कि हमारी डल चुकी है, और यहाँ से कट कर देंगे। अब दूसरी साइड से ये देखिए उसी प्लेट को सही से एडजस्ट करते हुए सिल लेंगे। तो इस डिज़ाइन के खासन में बता दूँ, ये मैंने गर्लिश टाइप में बनाया है, जो गर्ल्स होती है टीनेज गर्ल्स या फिर कॉलेज गर्ल्स या स्कूल गर्ल्स, उनको ना तामझाम वाला लेस टाइप का या फिर जरी वर्क ये सब पसंद नहीं होता है। तो सिंपल लुक में मैंने स्टाइलिश डिज़ाइन बनाया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और ये देखिए हमारी प्लेट्स भी यहाँ पर कम्प्लीट हो गई है। इसको इस तरीके से देखिए फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिल लेंगे, सिंपली इसको सिल लेना है फोल्ड करते हुए ताकि जो नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा बाहर की साइड ना आए। इसको सिलने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से पलटते हुए, और आप चाहे तो इसको सिलाई ना भी लगाएं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर फिर से 1-2 इंच की पट्टी लेंगे, उसको इस तरीके से सिंपली सिल लेंगे नीचे की साइड से। इसके बाद हमें पट्टी को आगे की साइड पलटना है और इसे फोल्ड करते हुए हल्का सा, ये देखिए जितनी चौड़ी आपको चाहिए पट्टी रख सकते हैं, आप चाहे तो इससे पतली भी रख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सिल लेना है। और यहाँ पर हमारा देखिए डिज़ाइन कंप्लीट है, हमारा बाजू तैयार है। इसकी फिटिंग दे देंगे अच्छे से और उसके बाद हमारा बाजू एकदम तैयार हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में कुछ नया मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सिंपल और बहुत एलिगेंट डिज़ाइन है, और ये टॉप में भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं, गर्मियों के शॉर्ट्स कुर्ती में और बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा, फाइनल लुक। अब हम बनाएंगे अपना डिज़ाइन नंबर 2। तो डिज़ाइन नंबर 2 के लिए ये देखिए हमने फैब्रिक लिया है, उसकी जो लंबाई है 11 इंच है बाजू की, और जो चौड़ाई है ये देखिए 8.5 इंच मैंने लिया है। अब ये जो हमारा आर्म होल का है, वैसे तो हमें 8 से 9 के बीच में रखना है, बट मैंने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल रख सकती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है उसका 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच पे मैंने मार्किंग, उसके बाद लंबाई में 4 इंच पे निशान लगाया, दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, ये देखिए वी शेप देते हुए हल्का सा, और इसे कट कर देंगे एज इट इज़। और उसके बाद ये देखिए कट होने के बाद इसको हल्का सा फोल्ड देते हुए सिल लेंगे। तो ये दोनों ही डिज़ाइन बहुत टॉप डिज़ाइंस हैं, नंबर 1 डिज़ाइंस हैं, और आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये मिड टॉप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा, आपके स्टाइलिश कुर्ती को और ज़्यादा स्टाइलिश बना देगा, टॉप को और ज़्यादा स्टाइलिश बना देगा। अब यहाँ पे बॉटम वाली साइड से ये देखिए इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर डबल फोल्ड मैंने नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पार वाला साइड था, जो मोटी वाली साइड होती है बंद वाली साइड। अब ये देखिए यहाँ पर शोल्डर के साइड से हमें 2.5 इंच पर एक मार्किंग करना है इस तरीके से, और दूसरी साइड में भी 2.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे, प्लेट्स हमें रॉन्ग साइड डालना है, देखिए इस साइड से ऐसे, और एक और प्लेट्स डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्लेट डाल सकती हैं। ये डिज़ाइन बनाना बहुत इजी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि डिज़ाइन आपको कैसा लगा, इस डिज़ाइन का लुक कैसा लगा। और ये देखिए उसके बाद ये एक पट्टी लेंगे हम 2 इंच की, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे सिंपल। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट देंगे एज नॉर्मल पट्टी की तरह, देखिए पट्टी को थोड़ा सा क्रीच हम लगाएंगे अपनी मशीन के, ये देखिए लगते से इस तरीके से, या तो आप प्रेस कर लें। उसके बाद बाजू वाला पार्ट लेंगे और इस तरीके से अंदर डालते हुए ये देखिए
दोनों को पकड़ेंगे दोनों की साइड्स को और इस तरीके से हल्का सा फोल्ड देंगे, ये देखिए डबल फोल्ड, और सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है रफल्स निकले ना। इसको कट करने के बाद ये देखिए इसको जो सिलाई वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड घुमा देंगे तो ये हमारा डिज़ाइन एकदम से बनकर तैयार है। बहुत एलिजेंट एंड स्टाइलिश डिज़ाइन है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए ज़रूर। और इस तरीके के सिंपल डिज़ाइंस मैं लाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।